मैं फंस चुका हूँ बैरागना में, क्योंकि भाई ये जो टायर है ना बहुत तगड़ा बबल। तो उसने तो भाई अपने पूरे फैमिली से 3 से 4 भाई लोग खो दिए। टाइम टाइम पे सारी चीजें चेंज हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सो मजे में होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी है। तो भाई काफ़ी टाइम से भाई उत्तराखंड में ना बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, बहुत ही रेनी वेदर हो रखा है। और आज जाके भाई आज थोड़ा सा मौसम साफ हो रखा है, लेकिन जिस साइड को मैं जा रहा हूँ ना आज, उस साइड पर हल्के हल्के क्लाउड लगे हुए हैं, मेरे को भी यहाँ से भी दिख रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से भाई बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सोलो राइड कर ली जाए, छोटी सी राइड करूँगा मंडल तक या चोपता तक, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। जो होगा जैसा होगा वो आपको पूरे रास्ते में बताएंगे, और पूरा एडवेंचर मुझे मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कि पक्का मुझे मंडल साइड को बारिश मिलेगी, क्योंकि जो मंडल घाटी है वो भाई कहते हैं कि उत्तराखंड का चेरापूंजी, जहाँ पर बारिश आपको पक्का मिलेगी। तो मुझे भी लगता है मिल जाएगी, लेट्स सी क्या क्या होता है। पर निकलते हैं घर से, शाम को भी भाई फिर आके शाम को एक प्रोग्राम है। जैसा आप लोगों को पता है कि चमोली में भाई पिछले साल 2023 में एक करंट एक्सीडेंट हुआ था, और जिसमें बहुत सारे नॉन लोग थे हमारे, जो भाई मतलब जिनकी वहाँ पे भाई कैजुअलिटी हो चुकी थी। तो शाम को वो प्रोग्राम भी है, तो वो प्रोग्राम भी हम लोगों को अटेंड करना है। तो चलते हैं और करते हैं आज के राइड की शुरुआत। और आगे और आगे लिया साहब, फुल कर दो भैया। तो भाई आज हमारे पास जो है ना भाई एक्टिवा है 125 cc। तो हम सोच रहे क्यों ना भाई स्कूटियों को भी थोड़ा ट्राई किया जाए, क्योंकि जिस रोड पे आज हम लोग जाने वाले ना, वहाँ पर बाइक तो भाई थोड़ा सा दिक्कत देती है ऑक्सीजन लेवल की वजह से। और ये देखो भाई, मतलब थोड़ा सा मुझे शांति से व्लॉग नहीं करने देगा कोई ना कोई। ठीक है भाई, बढ़िया है ये भी। तो आज हम देखते हैं कि भाई स्कूटी चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। होप सो सही चले। तो पेट्रोल फ्यूल अप हो चुका है, और भाई यहाँ पे भी भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब इतने दूर इतने सही जगह पे पेट्रोल पम्प खुले ना, तब भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना, पर बहुत ही सुस्त है भाई। इतना लेट वर्क करता ना, इतना लेट कि क्या बताऊँ मैं भाई। यहाँ पे तक भाई भीड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा है भाई। आज तक हम लोग सोचते थे कि पेट्रोल पम्प जहाँ पर पुराना था वहाँ पर दिक्कत होती थी, बट वहाँ पर दिक्कत नहीं थी भाई, दिक्कत यहीं से थी, दिक्कत स्टाफ की थी मुझे लग रहा जितना ये सब है। तो फ्यूल अप हो चुका है और निकलते हैं आज की राइड के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम सोचता एक राइड कर लूँ, थोड़ा सा भाई मन को शांत रख लूँ, क्योंकि बीच में जितना भी डिस्टरबेंस चल रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे। इसी वजह से यार भाई मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। उस डिस्ट्रैक्शन को साइड करने के लिए भाई आज मैं थोड़ा सा सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। सोचता हूँ यार क्यों ना सोलो राइड ज़रूर कर दें। इस बीच में इतने सब चीज़ें पता चल गई ना कि कौन अपना है कौन कैसा है, समझ नहीं आता भाई। टाइम टाइम पे सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो जो भी है अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव साइड से लेके मैं इन सब चीज़ों को चल रहा हूँ अभी। बट जो ये स्कूटी है ना भाई, ये इतनी ख़तरनाक है ना कि क्या बताऊँ मैं। इतनी वाइब्रेट कर रही है, ये देखो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन इसमें, और आवाज़ ज़्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना रिस्क लिया जाए, थोड़ा इन्जॉय किया जाए, एडवेंचर किया जाए। काफ़ी टाइम से हम एडवेंचर नहीं कर पाए ना। अभी भाई आप लोग भाई कहीं भी आने के प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो अपने साथ भाई रेनकोट और वार्म क्लोथ जरूर रखें, क्योंकि अभी पहाड़ों पे भाई बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। और हाँ, एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर चलें, क्योंकि यहाँ पर भी लैंडस्लाइड बहुत तगड़ी हो रही है। हम बता नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पर क्या था, क्योंकि अभी बीच में जो बद्रीनाथ हाईवे था ना वो भी बंद हुआ था भाई। तो जैसे मैं अपने गाँव तक पहुँचा ना भाई, देखो बारिश शुरू हो गई है, और भाई मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे बारिश पक्का मिलेगी। अपने साथ मैंने भाई रेनकोट रखा हुआ है। बारिश और सफ़र दोनों चीज़ें बहुत मस्त होती है, और मुझे लगता है कि मेरा गोप्रो दिक्कत ना करें। तो भाई अब भाई मैं कर रहा हूँ आईफोन से ब्लॉग, देख रहे भाई पूरा ख़तरनाक मौसम हो गया, बारिश बारिश। और आईफोन तो थोड़ा वाटर प्रूफ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है अभी। और अभी एक बड़ी दिक्कत और आ गई है मेरी स्कूटी में, इसका जो पीछे का टायर है ना, उसमें भाई हवा कम है। मैं फंस चुका हूँ बैरागना में, क्योंकि भाई ये जो टायर है ना बहुत तगड़ा बबल कर रहा है भाई, पीछे वाला देख सकते हो भाई आप, हवा देख रहे हो कितनी कम हो गई उसमें। यही सारी दिक्कत है,
यहाँ पे एक भाई पंचर वाला था लेकिन वो भी खुला हुआ नहीं है। और अभी मौसी को फ़ोन करता हूँ मैं, देन पूछता हूँ कि उनके पास है कि नहीं है मशीन, तो मिल जाएगी तो बढ़िया क्योंकि मौसी की गाड़ी में तो रहते हैं। और भाई बहुत ही बुरी हालत हो रही है यार, और बारिश देखो क्या तगड़ी हो रही है। ट्रैवलिंग का थ्रिल यही है भाई, देख रहा भाई स्कूटी पर हमने जब देख रहा भाई हवा गम थी और बहुत अच्छा हो भाई जी की शॉप यहाँ पर थी भाई, तो हमने चेक कर दिया क्योंकि पहले मैंने चेक किया भाई जी ने कहा मैं तो आ नहीं सकता हूँ, जैसे ही वो पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर खोल रहा है तो चेक करके कर दिया, देख रहे भाई तो इतना तो आना ही चाहिए अपने हिसाब से कि यार पंचर जब देखें चेक कर लो क्योंकि भाई जी के पास फिर थी वरना मैं ही लगा देता उसको। लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है भाई, और ये शॉप जो है ना भाई बैरंगना के पास में पहले पीछे थी अब यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए भाई, और भाई जी लोग भी हमारे लोकल ही हैं भाई बड़द्वारा से, तो भाई बड़द्वारा वाले बहुत ही मस्त। और अब जाके स्कूटी हो चुकी है ठीक, जो इसका पंचर था ना भाई वो यहाँ पे था, देख रहे हो भाई एक पंचर की वजह से दिक्कत हो गई थी, इसीलिए भाई गाड़ियों को चेक करते रहा करो। दोस्तों मुझे लेना पड़ा एक डिसीजन, और भाई मैं आया हूँ बैरंगना से, अगर भाई बारिश इतनी तगड़ी हो रही ना तो मैंने सोचा यहीं पर रुकता हूँ और चाय पकौड़ी खा के फिर वापसी करता हूँ क्योंकि चोपता तक जाना भाई इम्पॉसिबल है। देख रहे भाई पूरी जैकेट जो है ना भाई भीग चुकी है, जो मेरा रेनकोट है ना वही पूरा भीग चुका है, तो थैंक गॉड भाई जो पंचर वाले थे ना उन्होंने हेल्प आउट कर दिया। और देखो भाई क्या मस्त सा व्यू हो रखा है, तो मैं इसी व्यू के लिए आया था कि यार बारिश और यह मौसम यह सब कुछ भी मज़ेदार बहुत ही सुंदर, पूरी बॉडी गीली हो चुकी है लेकिन यह कि यार शांति जो है ना जो माइंड होता है ना बहुत ही पीसफुल हो गया बहुत ही मस्त। तो चाय पकौड़ी खाता हूँ फिर देखता हूँ क्या करता हूँ, चोपता निकलूँ या ना निकलूँ तभी डिसाइड करता हूँ, पहले बैठ के चाय पी लेता हूँ। तो भाई देख रहा हूँ मतलब मेरे लिए ही ये वेदर इतना ख़राब हुआ था और अभी जाके सही हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे तक देख के चला जहाँ तक हो सके, मैं सोच टावर तक जाएगा, टावर तक थोड़ा सा वेदर ठीक रहेगा, जहाँ सा वेदर ख़राब होगा फिर वापस आ जाऊँगा। तो देखो भाई जैसे ही भाई यहाँ पर बारिश बन गई और उसके बाद देखो क्या ग्रीनरी दिखती है भाई, क्या मस्ती ग्रीनरी। अभी तो भाई मैं ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर आया हूँ ऊपर, मैं भाई वैसे रेनकोट उतारने की सोच रहा था बट रेनकोट नहीं उतारना भाई, रेनकोट उतारेंगे ना तो पूरी बॉडी विद डिहाइड्रेट हो जाती है। चोपता वाला रूट पर आओगे ना तो क्या मस्त मस्त वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं, मन तो कर रहा है नहा लूँ लेकिन मैं भी कैसा हो गया ना अभी कि थोड़ा सा बॉडी है भाई ठंडी हो गई है, मतलब नहाने की मस्त सी लोकेशन है। और आप आ रहे हो ना तो चोपता वाला रूट पर आपको मस्त सा वाटरफॉल मिल जाएगा, बहुत सारे वाटरफॉल है ऐसे। और आगे देखो भाई क्या मस्त वेदर हो गया, और यही रीज़न था मैंने बोला ना स्कूटी भाई अब उठ ही नहीं रही है, अब चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देख रहा हो आप सिंगल इंसान में भी बहुत भाई आराम से चढ़ रही है, तो यही एक दिक्कत है। थोड़ा सा हैवी सीसी की गाड़ियाँ लाने में थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि भाई मतलब चढ़ाई पर बहुत ईजी तरीके से चढ़ जाती है, बट कुछ भी बोलो भाई दिस इज़ रियल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड भाई, लोग गर्मियों से मर रहे हैं अभी। और यहाँ देखो क्या मस्त वेदर हो रखा है भाई, एकदम फुली क्लाउडी, देखो क्या मस्त मस्त से पेड़ हो रखे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बस टावर तक जाके आऊँ क्योंकि भाई मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, हद से ज़्यादा, मैं कोई प्रिपरेशन करके वैसे भी नहीं आया था, मैं सिर्फ ऐसा चलो चलते हैं। अरे भयंकर ये भैया जी क्या चल रहा है इधर, देखो काम वाम भी लगा हुआ है प्रॉपर अभी। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लोग भाई प्यारी सी लोकेशन पे जिसे बोलते हैं भाई चोपता के पास में टावर, तो देखो क्या मस्त है। और भाई देखो ठीक सामने आपको कुछ चीज़ दिख रही है, ये देखो भाई यही लाइफ जीनी थी और इसी के लिए यहाँ पे आया था मैं, बहुत ही प्यारी सी लाइफ है भाई, और ये ऐसे नहीं दिखते हैं यहाँ पे, बहुत रेयर टाइम पे दिखते हैं क्योंकि जब क्राउड रहता है ना तो समझिए दूर भाग जाते हैं। और अभी देखो बहुत पास पे आए हुए भाई, वो देख रहे हो ऐसी लाइफ है सुकून वाली, और बहुत सारे हैं यहाँ पीछे। तो बस यहीं तक आया था मैं और थोड़ी देर बैठता हूँ और उसके बाद फिर निकल जाते हैं घर के लिए वापस। पहुँच चुके हैं हम लोग घर पे, और पूरा जो आज वेदर था ना उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, पूरे कपड़े वपड़े चेंज कर दिए। तो अभी भाई रिमेम्बर हुआ कि आज है 19 जुलाई, और आप लोगों को पता है कि चमोली में भाई एक करंट हादसा हुआ था जिसमें भाई बहुत सारे लोगों की भाई मतलब अनहोनी हो चुकी थी, तो आज उसके भाई एक साल पूरा हो चुका है, तो उसके लिए एक कैंडल मार्च रखी गई है गोपेश्वर मार्केट में, तो हम लोग उसे अटेंड करने जा रहे हैं अभी, तो शाम को 6 बजे बोला था, तो अभी निकलते हैं घर से। तो क्योंकि यार उस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारे अपने नोन लोग भी थे, और एक भाई था ना भाई उसका मैं भी देख रहा था स्टेटस भी,
तो उसने तो भाई अपने पूरे फैमिली से 3 से 4 भाई लोग खो देते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर मार्ग पे। सनी भाई गुड इवनिंग, प्रणाम। देखो भाई यहाँ पर जो कैंडल मार्च का प्रोग्राम चल रहा है ना, वो भाई यहाँ पे एक बैनर बनाया गया है, देख सकते हो भाई। तो मिश्रा जी भी यहाँ पे लगे हुए हैं, मिश्रा जी अपने काम पे, नवल भाई भी लगे हुए हैं। तो ये देखो कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम शुरू हो गया। मिश्रा जी गुड इवनिंग। दो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखो भाई यहाँ नितिन भाई भी आ चुके हैं, बहुत सारे भाई जितने भी यूज है ना सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये बना हुआ है बहुत ही प्यारा, देख सकते हो भाई जो ये पोस्टर बना है बहुत अच्छा। देखिए भाई यहाँ पर अभी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और भाई ये दिन बहुत ही मतलब एक गोपेश्वर के लिए बैक डे मान सकते हैं हम लोग, देख सकते हो भाई प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सभी लोग अभी लगेंगे। और कैंडल्स देखो भैया भी पहुंच चुके थे, और अंशु भैया लोग सारी व्यवस्थाओं पे लगे हुए हैं। और भाई ये किसी का पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी के लिए, बट सब व्यक्तिगत तरीके से अपनी तरफ से हेल्प आउट कर रहे हैं। और अभी यहाँ से हम एक दो कैंडल्स और ले रहे हैं। देखो दोस्तों पहुंच चुका है जो कैंडल मार्च, वो भाई स्टेशन की तरफ, और ये शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा अभी। और यहीं पर हम लोग अभी इसको स्टैंड लगाए। हो गया ठीक है।